नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत नाला फुपारा, अपराध का गढ़ ही नहीं अपराधियों का मुख्य अड्डा भी है। लगातार नाला फुपारा से अपराध की बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आती रहती है। हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जो घटना भी हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल मामला है, यहां कुछ 5-7 लोगों का एक साथ मिलकर एक 17 साल के लड़के के साथ मारपीट किया जा रहा था। ये तस्वीर में विजुअल में आप जो बेड पर लेटा हुआ एक लड़के को देख रहे हैं, ये वही लड़का है जिसका नाम अयान है। और 14 दिसंबर को रात के समय अयान अपने घर से निकलकर कहीं अपने रिश्तेदार के यहां गया, तब कुछ लोगों ने इसके साथ मारपीट की जिसकी वजह से इसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। दरअसल अयान ने जो पुलिस को अपना बयान दिया है, उस बयान में कई बातें जो उसने कही है वो काफी चिंताजनक है। अयान ने अपने बयान में कहा कि कुछ समय पहले उसके एक मित्र, एक दोस्त जिसके वहां वो बैठता है, उसके वहां उठना बैठना है उसका, उसका किसी दो रिक्शा वाले आरोपियों से किसी बात पर मनमुटाव हुआ। उस बात को लेकर वो रिक्शा चालक जो है उन्होंने अयान के साथ पहले भी मारपीट की और अयान पर यह दबाव डाला कि वो अपने दोस्त के खिलाफ पुलिस शिकायत, झूठी शिकायत करे। तब अयान का ऐसा कहना है कि वह डर गया और उसने पुलिस में शिकायत नहीं की, जिसके बाद एक बार फिर 14 दिसंबर को जब अयान अपने घर से किसी रिश्तेदार के यहां गया, तो उसे रास्ते में नाला तुपारा स्टेशन के पास रोककर कुछ आरोपियों ने उसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसको लहूलुहान कर दिया। अयान का आरोप है कि इन आरोपियों के पास में बियर की बोतल थी जिससे उसका सर फोड़ दिया। इन आरोपियों ने अयान को लात, घूंसे, जैसा हो पड़ा ऐसा उनको बुरी तरह से मारा और जख्मी कर दिया। बाद में जब विवाद बढ़ता देख पब्लिक जमा हुई तो सभी आरोपी वहां से निकलकर फरार हो गए और अयान को किसी ने अस्पताल पहुंचा। अस्पताल पहुंचने बाद काफी देर बाद अयान को, काफी घंटों बाद अयान को जब होश आया, तब अयान ने अपना रिकॉर्ड पुलिस में दर्ज करवाया और उस आधार पर पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दो आरोपियों को नामजद किया और बाकी के अज्ञात 4 आरोपियों का नाम FIR में दर्ज है। इस घटना को आज कुछ दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक आरोपी की धरपकड़ होने की जानकारी नहीं है। और ये जो घटना है नालासोपारा के आचोले पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आती है। फिलहाल आचोले पुलिस आरोपियों को पकड़ पाने में नाकाम हुई है। अब देखना यह कि कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। वीडियो में आगे देखिए इस पूरी घटना की रिपोर्ट, पीड़ित अयान और उसके भाई का बयान। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अयान खान, क्या हुआ था आपके साथ? मैं स्टेशन पे था, जा रहा था प्रगति नगर, तो उधर अर्जुन सोनी और राहुल राय आए। अर्जुन सोनी ने मेरे को गाली दिया, गाली काहे को दे रहे हो? तो पीछे से राहुल राय ने बोला कि किधर है तेरा बाप लालू, उसका तो आई मर ही है इसकी माँ। तो अर्जुन ने उधर के मेरे को मारा, राहुल राय भी उतरा, लड़के लोग आए, दारू की बाटली सर पे मारे, अर्जुन ने रॉड से नाक पे मारा, सब मारे। राय के बाद धा धा हथियार था और मैं उधर गिर गया। उन्होंने मेरे को बोला भाई चौकी जाएगा तो तेरे को और तेरे पूरे घर वाले को जान से मार डालेंगे।
और बोलते हैं लालू को, बोल देना लालू की विकेट ही है इधर पे, तो इधर स्टेप में लेने थराट सर आए थे, तो थराट साहब भी बोल रहे थे कि अलग है 324-325 हुए और उनको नोटिस दे के छोड़ दिया जाएगा, तो मांडली कर लो तो वो लोग से तुमको खतरा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहतिशाम खान है। क्या हुआ आपके भाई के साथ? एक्चुअली मैं जॉब से आ रहा था, आया था रात को, जो रात को 10-10:30 बजे के बीच में मैं जॉब से आया, 14 दिसंबर दिन वो, तो एक मुझे अचानक कॉल आया कि भाई आपके भाई की, आपके भाई का स्टेशन पे झगड़ा हो गया, स्टेशन पे लोगों ने उसको मारा है, तो आप जल्दी से आ जाइए। तो एक्चुअली मेरे पास वो टाइम पे गाड़ी वगैरह नहीं थी, तो मैंने एक मेरे बाजू वाले से गाड़ी की चाबी ली और मैं तुरंत निकला गाड़ी लेके। जब तक मैं नागिंदास हॉस्पिटल में पहुंचा, नागिंदास हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद नागिंदास हॉस्पिटल वाले को बोलना ऐसा था कि भाई बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्रिटिकल सिचुएशन है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते, आप शताब्दी लेके जाइए। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया वो टाइम पे, तो मैं मेरे यहाँ अलकापुरी के नर्मदा टाइल्स के बाजू में एक हॉस्पिटल है ग्रीन लाइफ करके, मैं वहाँ लेकर उसको एडमिट किया मैंने। तो एडमिट करते टाइम मैंने उससे थोड़ी बहुत बातचीत की, मतलब होश में तो नहीं था पर प्रॉपर बोल भी नहीं पा रहा था, पर थोड़े बहुत जहाँ तक मैंने बात किया तो उसने बताया कि ये लोग थे, बहुत लोग थे, रॉड से भी मारा, बियर की बॉटल्स वगैरह भी सर पे फोड़ी उसकी। फिर मैंने वो चीज़ हॉस्पिटल में, मैंने MLC लिया हॉस्पिटल से, मैं चौकी में सबमिट करने गया, रात को 3:30-4 बजे के करीब मैं चौकी में गया, अचोले पुलिस चौकी में सबमिट करने के लिए। तो मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि मेरे भाई ने जिन लोगों का नाम लिया हुआ था, जो बताया कि इतने इतने लोग थे, उसमें से कुछ लोग वहाँ मौजूद थे वो समय। तो मैंने वहाँ पे MLC दिया और वहाँ से MLC दे के वो लोग कुछ आपको रोकना टोकना कुछ धमकी वगैरह रोकना टोकना हाँ उन्होंने रोका मुझे। उन्होंने उनका पूछना ऐसा था कि भाई कितना गया खर्चा, कितना गया, क्या हुआ, मतलब तो मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे थे बाहर ही बाहर, ऐसा भी बोल सकते हो आप, मामला सुलझाने की भी कोशिश कर रहे थे। बट मैंने उनको ये रिप्लाई किया भाई जो भी हुआ गलत हुआ, ये चीज़ नहीं करना चाहिए था आपको भी, कि मैं ये सब में नहीं रहता हूँ जगह, फिर भी मैं मुझे ये चीज़ में आना पड़ा चौकी, पुलिस चौकी, हॉस्पिटल वगैरह, मुझे पर्सनली मुझे मेरा भी वहाँ पे टाइम जा रहा है, पर भाई है मेरा, उसके साथ इतना ही है मेरा, उसके साथ इतना गलत हुआ है, अगर कुछ हो जाता उसको तो कौन जवाबदारी लेता उसकी। आप पुलिस से मिले थे इस बारे में? हाँ, पुलिस से मेरा मिलना हुआ था। पुलिस, जैसे मैंने MLC सबमिट किया, पुलिस का कहना था ऐसा था कि वो थोड़े टाइम में आएंगे स्टेटमेंट लेने, पर स्टेटमेंट लेने आए नहीं वो। रात 4 बजे मैंने स्टेटमेंट सबमिट किया, MLC सबमिट किया, स्टेटमेंट लेने कोई नहीं आया। 8 बजे एक हवलदार आए, उनका नाम नहीं याद है मुझे वैसे तो, बट आए वो, तो मेरा भाई उस हालत में था नहीं कि स्टेटमेंट दे सके, तो वो बोले कि ठीक है मैं आधे घंटे में आता हूँ। आधे घंटे में उनका आना हुआ नहीं, बच गए लमसम 1:30 बज गए मेरा वेट करते करते में। तो मैं फिर गया अचोले पुलिस चौक पुलिस स्टेशन, मैंने साहब से मिला मैं उधर, तो उनसे बोला कि ऐसा ऐसा है, सुबह आए थे, उनके भाई की हालत नहीं सही थी, स्टेटमेंट देने लायक नहीं था वो, तो उसने सुबह स्टेटमेंट नहीं दिया, वो बोले 1 घंटे में आने वाले, आए नहीं अभी तक, क्या हुआ? तो बोले ठीक है मैं भेजता हूँ थोड़े टाइम में, मैं आधे 1 घंटे में भेजता हूँ, वो टाइम पे लंच का टाइम था। अच्छा, इस मामले में पुलिस का रवैया आपके भाई के प्रति कैसा है या इस मामले के प्रति कैसा है? अगर बोलूँ तो मतलब कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, बट चल रहा है कि हाँ स्टेटमेंट लेने आ रहे जा रहे, मतलब ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो ठीक है चल रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से वसई विरार मनपा के वसई विरार और मीरा भाईंदर पुलिस के नए आयुक्त हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मेरा उनसे कहना यही रहेगा सर कि अभी तो एक तो माइनर है मेरा भाई, 17 साल का ही है, और ये उसके साथ मैंने सुना है जहाँ तक कि दूसरी बार तीसरी बार हो चुका है, तो हर बार ऐसी अगर चलता रहेगा तो वो जिंदा बचेगा भी या नहीं बचेगा, उसकी कल उसका हालत देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं बच पाएगा वो, कि इतना ज़्यादा उसको तकलीफ हो गया था। तो मेरा ये कहना रहेगा सर से आपसे कि अब कुछ ना कुछ आपको भी प्रॉपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, कि यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता कि उतना कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है,
तो आप थोड़ा पर्सनली भी आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।